हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीट 2021 एलिजिबिलिटी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि कौन कौन यहां पर एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी में आपको कोड सेलेक्ट करना है। प्राइमरी में 5 कोड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और जूनियर लेवल जो 6 to 8 वाला पेपर है उसमें 7 कोड हैं। तो किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। बीएड वाले कौन सा करें, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, बीएलएड वाले, स्पेशल बीएड वाले, स्पेशल डीएलएड वाले, सबके लिए पूरा मैंने यहाँ पर वीडियो बना दिया है। इसको लास्ट तक देख लीजिएगा, आपका कोई भी कन्फ्यूज़न रह नहीं जाएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेज़ी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेज़ी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउट नॉट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बात हो रही है दोस्तों इस वीडियो में एलिजिबिलिटी के बारे में, सिलेक्शन ऑफ कोड्स के बारे में, किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सबसे पहले चीज़ कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है इस बार का सीटेट का, उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं दी गई हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं। लेकिन जब आप अपना फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखेंगी कि 1, 2, 3, 4, 5 प्राइमरी के लिए कोड है, किस कोड का क्या मतलब है, वही पर तुरंत सामने दिख जाता है। और पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी में 1 to 7 तक कोड है, और हर कोड का क्या मतलब है वहीं पर दिख जाता है। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने पूरा अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का चेक कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ सीटेट के फॉर्म में फ़ोटो और साइन कैसे बनाना है अपने मोबाइल से ही, इस पर भी मैंने अलग से एक पूरा वीडियो बना दिया है। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कोड्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के कोड्स किसको क्या सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 आपको पता ही है प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए होता है। तो प्राइमरी लेवल वाला हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोड नंबर 1 कौन सेलेक्ट करेगा, आप लोग सुन लीजिए आराम से, इत्मीनान से, ताकि आपको इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा अपना किया है, डिप्लोमा मतलब DLED या BTC या कोई भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया है 12th के बाद, तो आप कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ लिखा गया है कि 12th में 50% नंबर, तो 12वीं में 50% अगर आपके नंबर हैं और आपने 12th के बाद DLED या BTC वगैरह कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया है, तो आप पेपर 1 के लिए कोड नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। वहीं पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो DLED या BTC अपने ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो स्पेशल ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी कोड नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट भी पेपर 1 के लिए कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अपना डिप्लोमा किया है तो 12th तो आपने पहले कर ही लिया है, तो आप इस कंडीशन में भी पेपर 1 के लिए कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो जाता है DLED और BTC वाले छात्रों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 12th में 50% नंबर नहीं है, रिजर्व कैंडिडेट हैं, उनको 5% की छूट मिलती है। तो 45% 12th में नंबर और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वही DLED या BTC, ऐसे स्टूडेंट पेपर 1 के लिए कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। अब जिन्होंने BLED बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, 4 साल का जो कोर्स होता है 12th के बाद, तो जिन स्टूडेंट ने 12th के बाद 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, वो पेपर 1 के लिए कोड नंबर 3 सेलेक्ट करेगा। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में 50% नंबर, उसके बाद 4 साल का BLED, कोड नंबर 3 पेपर 1 के लिए आपको सेलेक्ट करना है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अपियरिंग वाले छात्रों की। क्या अपियरिंग अलाउ हैं? पास तो अलाउ होते ही होते हैं, सबको पता है। तो क्या अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं सीटेट में? तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका अपियरिंग फाइनल ईयर अपियरिंग होना चाहिए। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, एलिजिबिलिटी में हर जगह साफ साफ लिखा गया है पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर, यानी कि 4 साल का अगर आपका BLED का कोर्स है तो आप 3 साल पास हो गए हों, आपके थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया हो, आप अपने 4th साल में हैं, यानी कि फाइनल ईयर में हैं, अंतिम वर्ष में हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए DLED आप कर रहे हैं, DLED 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं,
तो आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया हो, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया हो, आप अपने थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो आप अपीयरिंग फाइनल ईयर हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फाइनल ईयर अपीयरिंग अलाउ होता है। अब वो फाइनल ईयर आपका दूसरा साल हो सकता है, अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो 3रा साल होगा, अगर 4 साल का कोर्स है तो 4 साल होगा, यानी कि आप अपने कोर्स के अंतिम वर्ष में होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन तो किए हैं लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाला उनका कोर्स है, तो ऐसे स्टूडेंट पेपर 1 के लिए कोड नंबर 4 सेलेक्ट करेंगे। 12 से 50% नंबर, उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल वाला कोड नंबर 4 आपको सेलेक्ट करना है। और फाइनली बात करते हैं बीएड के स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने भी बीएड किया है और पेपर 1 के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बीएड के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है पेपर 1 के लिए। तो ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर, और उसके बाद अगर आपने बीएड किया है, अब आपका ये बीएड कोई भी हो, 1 साल वाला हो, स्पेशल हो, 2 साल वाला हो, सभी बीएड स्टूडेंट को कोड नंबर 5 सेलेक्ट करना है पेपर 1 का। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं सेटेट का, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूज़न अब आपके मन में नहीं होना चाहिए। बीएड के स्टूडेंट के लिए एक और स्पेशल यहाँ पर जानकारी ये है कि अगर आप प्राइमरी में सेलेक्ट हो जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, तो नियुक्ति के 2 साल के अंदर अंदर ही आपको एक कोर्स करना होता है जो 6 महीने का होता है, और इस कोर्स का नाम है ब्रिज कोर्स। ये बीएड के लिए स्पेशल है, उन्हें ये कोर्स करना होता है, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आवेदन करते समय दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 कौन कौन भर सकता है फॉर्म और किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, ये आप लोग जान लीजिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि DLED या BTC, तो आप पेपर 2 का भी फॉर्म भर सकते हैं, और आपको सेलेक्ट करना होगा पेपर 2 के लिए कोड नंबर 1। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपना DLED किया है, वो पेपर 1 के लिए भी कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे और पेपर 2 के लिए भी कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने 12वीं के बाद अपना DLED किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए ही एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद DLED किया है तो आप पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हैं और पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। तो चीजें बिल्कुल क्लियर अब आपको हो गई होंगी। यानी कि DLED वाले स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं तो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने 12th के बाद डायरेक्टली DLED किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए ही एलिजिबल रहते हैं। तो पेपर 2 के लिए DLED के साथ ग्रेजुएशन मस्ट है। जिस स्टूडेंट ने 1 साल का BEd किया है वो पेपर 2 के लिए कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन में 50% नंबर और 1 साल का BEd अगर आपने किया है तो पेपर 2 के लिए कोड नंबर 2 आपको सेलेक्ट करना है, और पेपर 1 के लिए कोई भी बीएड हो आपको 5 नंबर ही सेलेक्ट करना है, चाहे 1 साल वाला हो, 2 साल वाला हो, स्पेशल वाला हो। पेपर 1 में आपको सोचना ही नहीं, अगर आपने बीएड किया है कोड नंबर 5। पेपर 2 के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग कंडीशन है, सभी को आप सुन लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन में 50% नंबर और 1 साल का बीएड कोड नंबर 2 आपको सेलेक्ट करना है पेपर 2 के लिए। वहीं पर जिस स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में 45% ही है, 45 से 50 के बीच में एक साल का बीएड उन्होंने किया है बैचलर इन एजुकेशन, तो आप कोड नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे, ये रिजर्व कैंडिडेट के लिए होता है। फिर बात करते हैं बीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बीएलएड के स्टूडेंट जिनके 12 से 50% नंबर हैं और बीएलएड उन्होंने 4 साल का किया है, पास्ड हो गए हैं या फाइनल ईयर अपीयरिंग है, पेपर 2 भी देना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना होगा पेपर 2 के लिए कोड नंबर 4। और बीएलएड पेपर 1 के लिए कोड नंबर 3 मैंने बताया ही, और पेपर 2 के लिए आपको कोड नंबर 4 सेलेक्ट करना है, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपके 12 से 50% नंबर हैं और उसके बाद आपने बीए या बीएससी एजुकेशन या बीएड एजुकेशन बीएससी एजुकेशन किया है, तो इस कंडीशन में पेपर 2 के लिए आपको कोड नंबर 5 सेलेक्ट करना है। तो 12th के बाद इन्होंने बी एजुकेशन या बीएससी एजुकेशन या बीए बीएससी एजुकेशन वाला कोर्स करते हैं 4 साल का, तो पेपर 2 के लिए आपको सिंपली कोड नंबर 5 सेलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं 1 साल का बीएड स्पेशल वाला। तो ग्रेजुएशन 50% नंबर और 1 साल का बीएड स्पेशल, कोड नंबर 6 सेलेक्ट करना होगा पेपर 2 के लिए। और अगर आपका बीएड इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ना 1 साल का है ना स्पेशल वाला है, तो आपको इस कंडीशन में सेलेक्ट करना होगा कोड नंबर 7 पेपर 2 के लिए। यानी कि कोई भी बीएड है जो NCT से अप्रूव्ड है और ऊपर जितना मैंने कोर्स बताया अगर आपका उसमें मैच नहीं होता है, तो आप सिंपली कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए यूनिवर्सल है।
यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो 2 साल का बीएड कर रहे हैं, नॉर्मली इस समय अब 2 ही साल का बीएड चल रहा है, तो जितना मैंने अभी आपको कंडीशन बताया 2 साल का बीएड कहीं नहीं था, तो 2 साल वाले जो बीएड के छात्र हैं वो कोड नंबर 7 सेलेक्ट करेंगे पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए कोड नंबर 5 सभी बीएड के स्टूडेंट को करना ही करना है। तो अब ये आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, अब आपका कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक ही बार में, डीएलएड के स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कोड नंबर 1, 12th के बाद डायरेक्टली डीएलएड किया है पेपर 1 के लिए कोड नंबर 1, पेपर 2 आप नहीं दे सकते। बीएलएड 4 साल वाला जो कोर्स है पेपर 1 के लिए कोड नंबर 3, पेपर 2 के लिए कोड नंबर 4। कोई भी स्टूडेंट जो बीएड किया है पेपर 1 के लिए कोड नंबर 5 और पेपर 2 के लिए अलग अलग कंडीशन है बीएड का, मैंने आपको बताया ही। और 2 साल वाला जो बीएड है वो पेपर 2 के लिए कोड नंबर 7, बीएड पेपर 1 के लिए सबके लिए कोड नंबर 5 मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये है पूरी एलिजिबिलिटी और सभी के लिए कोड्स प्रॉपर मैंने बता दिया। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो अगर तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके भी सवाल का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉच।